श्री शिवाय नमस्ताभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, शिव मंदिर से उठाकर ले आए ये एक फूल। दोस्तों आई एम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये एक फूल मात्र आपको करोड़पति भी बना देगा। दोस्तों इस उपाय को करना बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों इस उपाय को जानने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए इन उपायों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्ताभ्याम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों देखिए, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कल की कथा में एक ऐसा अचूक उपाय बताया जो अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही आप जब भी शिव मंदिर जाएं तो वहां से आपको एक चीज उठाकर लानी है और उस चीज को घर के तिजोरी में रख देने से आप धनवान बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस उपाय को किस तरीके से किया जाता है, साथ ही इस उपाय को करने का क्या क्या नियम है और कौन कौन सी सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप जो कभी भी कर सकते हैं, चाहे सोमवार के दिन या एकादशी अमावस्या या फिर अष्टमी के दिन या फिर आप सावन के महीने में या नवरात्रि के किसी भी दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर एक तांबे का पात्र लेना है। उस पात्र में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। साथ में उस जल में आपको एक सूखी साबुत हल्दी की थोड़ा सा आपको टुकड़ा डाल देना है और थोड़े से काले तिल और साथ में 5 बेल पत्री आपको डाल देनी है। साथ में दोस्तों आपको लेना है 3 जो है सदाबहार के सफ़ेद वाले फूल। जैसे कि आपने देखा होगा, सदाबहार के फूल आते हैं दो तरह के, एक तो गुलाबी कलर का होता है और एक सफ़ेद कलर का। तो सदाबहार का आपको सफ़ेद वाला 3 फूल लेना है। दोस्तों सदाबहार के फूल महादेव को अति प्रिय हैं, तो कोशिश करें कि आप सदाबहार के फूल लें। अगर आपको सदाबहार के फूल ना मिलें तो आप सफ़ेद वाले कोई से भी फूल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको एक देसी घी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको गोल वाली बाती लगानी है और इन सारी सामग्री को आपको अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में लेके चले जाना है। अब वहाँ जाकर आपको सबसे पहले सारी सामग्री को शिव जी के सामने रख देना है और 3 बार आपको ताली बजानी है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है जल का पात्र। उस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर छोड़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे आपको आराम आराम से जल को छोड़ना है और जल को छोड़ते समय आपको श्री शिवाय नमस्ताभ्याम बोलना होगा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा जल आपको अपने पात्र में ही रोक लेना है। फिर उसके बाद जो आपने बेलपत्री ली थी, वो बेलपत्री हो सकता है कि आपके पात्र में ही रह जाए, ठीक है। अगर आपके पात्र में रह जाती हैं तो उन बेलपत्रियों को आप हाथ में लें और अपने ऊपर छींटे मार लें, फिर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों आपको देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको बट केसर महादेव का नाम लेना है। फिर उसके बाद आपने जो 3 सदाबहार के फूल लिए हैं या कोई अन्य फूल लिए हैं, तो दोस्तों आपको करना यह है कि सबसे पहला आपको एक फूल लेना है। वो फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। देखिए, माता अशोक सुंदरी का ये स्थान होता है जहाँ से जल बहकर आता है नीचे की तरफ, ठीक है। जो डंडी वाला भाग होता है शिवलिंग के सामने, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो भगवान शिव की सबसे छोटी बेटी है। दोस्तों जब आप माता अशोक सुंदरी को सदाबहार का फूल अर्पित करें, तब आपको फूल का जो आगे का खिला हुआ भाग है, जो पत्ती वाला भाग है, वो आपको शिवलिंग की तरफ रखना है, ठीक है। और जो डंडी वाला भाग है, ये आपको अपनी तरफ रखना है। अब दूसरा फूल, जब आप माता अशोक सुंदरी को फूल अर्पित कर रहे हैं, तब आपको अपनी जो भी कामना है वो माता अशोक सुंदरी से कह देनी है। अब देखिए, दूसरा फूल आपको लेना है। दूसरा फूल आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है, जहाँ आपने जल चढ़ाया था भगवान शिव जी को, उस जगह पर आप माता अशोक सुंदरी की तरफ पत्ती वाला भाग करेंगे, जो खिला हुआ भाग है वो आप माता अशोक सुंदरी की तरफ करेंगे, जहाँ से आप खड़े होकर फूल को अर्पित कर रहे हो, ठीक है। और जो डंडी वाला भाग होता है नीचे वाला, वो आप पीछे की तरफ कर देंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों जगह फूल अर्पित कर देना है। अब देखिए, जो तीसरा फूल है, ये आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर रख देना है। अब कुछ देर के लिए आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्ताभ्याम मंत्र का ही जप करते रहना है। फिर उसके बाद दोस्तों, जब आप अपने घर के लिए चलने के लिए हों, तब आपको एक फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाना है और अपने जल के पात्र में आपको डाल लेना है।
घर आकर दोस्तों आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे के सीधे हाथ की तरफ जो बचा हुआ जल है थोड़ा सा उसमें से जल आपको चढ़ा देना है। फिर जो बाकी का जल है वो आपको अपने पूरे घर में छींट देना है। और जो सफ़ेद वाला सदाबहार का फूल है उसे दोस्तों आपको संभाल कर अपने घर के तिजोरी या गल्ला या फिर जहाँ पर आप धन इकट्ठा करते हैं उस स्थान पर आपको उसे रख देना है। दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या नहीं आएगी। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।